प्रधानमंत्री मोदी ने तकरीबन पौने दो घंटे लोकसभा में भाषण दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सिंधिया जी, पहली बात जो उन्होंने शुरुआत करी, राहुल गांधी और भूकंप पर टिप्पणी करी, चुटकी ली राहुल गांधी। भूकंप तो आने वाला है 11 तारीख को। कल रात को जो भूकंप आया था वो तो केवल ट्रेलर है, असली पिक्चर 11 मार्च देश की ये 125 करोड़ जनता और 5 राज्यों की जनता भाजपा को अपना सही आईना दिखाएगी और अपने गिरिमान में झांकने के लिए मजबूर करवाएगी। सर, वो कहते हैं कि बेनामी संपत्ति का जो कानून है 1988 में पास किया और सर आप ही लोगों ने नोटिफिकेशन इतने सालों में क्यों नहीं किया? पार्टी ने इस बेनामी एक्ट कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, संशोधन भी हमने करवाया था, केवल उसका क्रियान्वयन अब भाजपा कर रही है। आज तक आप लोगों ने क्यों नहीं किया? थैंक यू। आज तक आप लोगों ने क्यों नहीं किया? हमने आज तक मतलब क्या, हमारे कार्यकाल में हम वो एक्ट लेके आए थे, कार्यकाल में ही हमने उस एक्ट को क्रियान्वयन किया है, आज भाजपा उसका श्रेय लेने को नोटबंदी को प्रधानमंत्री सर नोटबंदी एक जवाब, देश में एक ही साथ चुनाव हो, पैसा बचेगा, ये कहते हैं प्रधानमंत्री। क्या आपको लगता है एक साथ चुनाव कराने चाहिए? इस पर सारे पार्टियों के साथ चर्चा तो पहले करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिल्ली से कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक।